हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो गाइस, आज हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए आज हमारे पास है यहां पे एक सैनिटाइजर की बोतल, यहां पे एक फेविक्यूब जो काफी ज्यादा मजबूत होती है, और यहां पे एक कटोरी। हम क्या करने वाले आज इसकी आज की वीडियो हम क्या करेंगे, इस सैनिटाइजर की बोतल को इसको दोनों को कर देंगे एक साथ मिक्स, फिर देखते क्या धमाल होता है, कैसा मजा आता है, तो कैसे रिएक्शन हमें देखने को मिलती है, क्या ये इसमें घुल जाती है, क्या पता ये हार्ड हो जाएगी, वो तो वीडियो बना के बाद में आपको पता लग जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले लेंगे छोटी सी कटोरी जिसको रखेंगे यहाँ पे, उसके बाद लेंगे इसके अंदर थोड़ा इसके अंदर सैनिटाइजर, तो इसके अंदर डाल देते हैं सैनिटाइजर। तो गाइस सैनिटाइजर तो अच्छा खासा बना, प्योर एकदम अच्छा खासा सैनिटाइजर है, कोई ज़्यादा तो देख सकते हो हमने इतना सैनिटाइजर ले लिया है इसके अंदर। अब इसके अंदर डालेंगे एक फेविक्यूब छोटी वाली ट्यूब, तो देख सकते हो ये वाली ट्यूब है हमारे पास, तो इसको पूरी डाल देंगे इसके अंदर, फिर देखते हैं कैसी रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस ट्यूब की हमारे पास कोई बड़ी वाली बोतल नहीं थी, इसलिए हम छोटी वाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तो क्या है, जो बड़ी से होगा वैसा छोटी से होगा, तो वैसे हम इसको छोटी वाली ट्यूब को डालते हैं, इसको ओपन कर लेते पहले। तो देखो ये साउंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे इसको खोलते टक दे टक सी आवाज़ आती है, तो डालते हैं इसको फटाफट से। तो वैसे आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कीजिए। तो देख सकते हो मैंने इस ट्यूब को ओपन कर लिया है, अब इसके अंदर डालते हैं इसको। तो सबसे पहले एक बूंद डालेंगे, फिर उसके बाद देखते क्या देखने को मिलता है। तो देखिए एक बूंद डाल रहा हूँ सबसे पहले, तो देखो दोस्तों एक बूंद जा चुकी है, और मतलब अजीब से वाइट वाइट तरह का सफ़ेद जमीन ऊपर बन गया और एक नीचे भी चल गया है। देखो तब क्या करते हैं, पूरी को डाल देते एक बार। तो देख सकते हो गाइस मैंने पूरी ये ट्यूब छोटी वाली फेविक्यूब की इसको पूरी को डाल दिया, अब देखते हैं इसके अंदर क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप कुछ आपको कुछ दाने दाने दिख रहे होंगे इसके ऊपर, इसकी जो ऊपर सतह है जो सैनिटाइजर की सतह है उसके ऊपर भी कुछ अलग अलग सफ़ेद सफ़ेद कलर का कुछ सरफेस जम गया है, और नीचे है नीचे भी कुछ अलग अलग तरह की परत जम चुकी है। तो एक जो छोटी सी लकड़ी लेते हैं और उससे इसको हिलाकर देखते हैं, तो ये मैंने छोटी सी लकड़ी ले ली है, अब इसको हिलाकर देखते हैं। तो देख सकते हो यार, देखो इसको देखो एकदम हार्ड, देखो इस टाइप का, देखो आप देख सकते हो इसके ऊपर देखो एकदम बर्फ जैसा कुछ जम चुका है, ये यही है फेविक्यूब। तो देखो इसके अंदर मिक्स हो चुकी है वैसे तो ये, देखो एक बार इसको मिक्स करके देखते हैं, फिर देखते क्या होता है। तो दोस्तों इसके अंदर मतलब एक दाने दाने बन चुके हैं, देखो इस टाइप की फेविक्यूब के, देखो इस टाइप की। अगर मान लो मैं इसको उंगली में लूँ तो थोड़ा डेंजरस हो सकता है, लेकिन एक बार लेके देखते हैं। अरे यार दोस्तों गर्म लग रही काफ़ी ज़्यादा है, और देखो इसके अंदर एकदम तार जैसे कुछ बन रहे हैं, देखो मैं आपको एक बार लेके दिखा दूँ, देखो क्या हो रहा है, देखो गाइस थोड़ी देर में मतलब हल्की से ऐसे लगती है गर्म, और देख सकते हो दोस्तों मतलब थोड़ी देर फेविक्यूब लगने के बाद देख सकते हो उंगली का हाल है, जो सफ़ेद सफ़ेद हो चुका है इसके ऊपर, एक मतलब लेयर जम गई है, देखो किस टाइप की होगी, और ऐसे हटती भी नहीं, मतलब ये अगर फेविक्यूब है तो फेविक्यूब तो नहीं हटेगी, लेकिन देखो गाइस हमें इसमें देखो किस टाइप की रिएक्शन देखने को मिली। ये जो कारण मतलब लिक्विड है वो अलग ही बन चुका है, इसमें मतलब फेविक्यूब अच्छे से मिक्स नहीं हो पाई, और दाने दाने जैसा कुछ बन चुका है। तो इस रिएक्शन को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा भाई सैनिटाइजर को और फेविक्यूब को मिक्स करने के बाद क्या रिएक्शन होती है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, दाने दाने बन जाते हैं एकदम मोटे मोटे, मतलब अगर मिक्स नहीं होती अच्छी बिल्कुल बिल्कुल मिक्स नहीं होती, दाने दाने बन जाते हैं, और क्या इसके अंदर मतलब ये सफ़ेद सफ़ेद बन जाती है, और उसको अगर आप उंगली पर लेते हो तो जलन जैसी लगती है, और मतलब ऐसे एकदम तार तार जैसा निकलता है इसके अंदर, और थोड़ी देर बाद ही सूख जाती है। तो गाइस आई होप कि आपको इससे कुछ नॉलेज मिलेगी, आपको आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो कुछ सीखने को मिला हो तो यार लाइक जरूर करना, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस हमारे चैनल पर नए नए इस टाइप की एक्सपेरिमेंटल वीडियो अलग तरह की वीडियो अपलोड करते रहते, तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। तो गाइस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंदुस्तान।